Yes, guys, a warm welcome. We are back with EDCL amendments, a very short amendment but very important for your exam point of view. I am discussing December 22 amendments, and this is the notes are in the description below. जहाँ पर लिंक में आपको इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट भी दिया गया, और आपको बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैंने मेरे नोट्स भी दिए जो सप्लीमेंट को इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया है. सर, अमेंडमेंट कहाँ पर है? अमेंडमेंट आपका पूरा ज्यादातर है इन योर FDI एंड लिटिल बिट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट. कॉम्पिटिशन एक्ट में एक अमेंडमेंट है, और FDI में इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ने बड़ी रेवोल्यूशन लाई है, उस पर अमेंडमेंट है. तो इंश्योरेंस तीन पार्ट में डिस्कस हो रहा है. जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जो इंश्योरेंस की इंटरमीडियरीज है, जो ब्रोकर्स, पॉलिसी बाजार, करेक्ट बात. और तीसरा है LIC. ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि LIC को ओपन अप किया गवर्नमेंट ने, पब्लिक पैसा लगा है. तो तीन जगह पर अगर मैं बात कर रहा हूं, ये डिस्कशन चल रहा है. पहला डिस्कशन चल रहा है नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी में FDI का क्या कहानी है, दूसरा है LIC में क्या है, और तीसरा है मेरी पॉइंट समझना कि तीसरी बात यह है कि इंटरमीडियरीज को लेकर, जो इंश्योरेंस कंपनी के इंटरमीडियरीज है उनको लेकर FDI में क्या हो रहा है. तो सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूं कि इंश्योरेंस में लिमिट बढ़ाई गई है, विच इज 74% नाउ. आप 74% भले FDI हो या FPI, दोनों मिलाकर 74% इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा कंट्री के बाहर से आ सकता है. FDI, FPI का डिफरेंस आपने रेगुलर बैच में पढ़ा है, बट जो सिर्फ शेयर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दैट इज FPI, और जो एक्चुअल बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, दैट इज FDI. उसके बाद ऑटोमेटिक रूट 74% तक है, इसके बाद अप्रूवल रूट आएगा, और उसके बाद जो भी FDI रिसीव कर रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे हैं, उन लोगों को इंश्योरेंस एक्ट का कंप्लायंस तो करना ही करना है. वो कंपनीज को IRDA के लाइसेंसिंग का भी कंप्लायंस करना है, और इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स 2015 का भी कंप्लायंस करना है. तो इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDA एंड इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स 2015, ऐसे तीनों कानून का पालन करके ही FDI अलाउड है. तो इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDA इनका रेगुलेटर है, एंड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स 2015. और ऑब्वियसली क्या रेट पर पैसे लगेंगे, क्या प्राइस पर शेयर बेचा जाएगा फॉरेनर्स को, इसके गाइडलाइंस RBI देगा. और अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंश्योरेंस में लगा रहे, कुछ भी हो जाए, मेजोरिटी डायरेक्टर्स इंडियन रेसिडेंट चाहिए, मेजोरिटी की मैनेजरियल पर्सन इंडियन रेसिडेंट चाहिए, और कम से कम चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO इंडियन रेसिडेंट चाहिए. तो मेजोरिटी लोग भले पैसे फॉरेनर्स लगा रहे, 74% तक पैसा आउटसाइडर्स लगा रहे, बट स्टिल गाइस द मेजोरिटी डायरेक्टर्स, मेजोरिटी की मैनेजरियल पर्सन एंड एटलीस्ट वन चेयरमैन, CEO और MD मस्ट बी इंडियन रेसिडेंट. तो ये हो गया आपका इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर. मैक्सिमम 74% ऑटोमेटिक रूट, ठीक है. दे नीड टू कंप्लाई विद इंश्योरेंस एक्ट, IRDA, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स, प्राइसिंग गाइडलाइंस बाय RBI, एंड कॉम्पोजिशन में मेजोरिटी डायरेक्टर्स इंडियन रहेंगे, मेजोरिटी KMP इंडियन रहेंगे, और चेयरमैन ये सब जो भी रहेंगे वो रेसिडेंट ऑफ इंडियन माना जाएगा. अब इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, जो जैसे पॉलिसी बाजार, बड़े बड़े ब्रोकर्स है जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हैं, उनमें FDI कितना अलाउड है? 100%. 100% बिंदास. जैसे पॉलिसी बाजार एक कंपनी है, ऐसा आउटसाइडर अगर इंडिया में कंपनी बनाकर ब्रोकिंग काम कर रहा है, ब्रोकरेज काम कर रहा है, री इंश्योरेंस का काम कर रहा है, कंसल्टेंट का काम कर रहा है, एजेंट, थर्ड पार्टी, सर्वेयर, लॉ सर्वेयर, ये सब कर रहा है, तो ये 100% FDI अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट. बट इन्हें क्या बोला गया है, दे नीड टू फॉलो सर्टन थिंग फॉलोड बाय अथॉरिटी IRDA एंड प्लस इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज रूल्स 2015. ये रूल्स क्या है सर? ये आपको पोर्शन है ही नहीं, बस नाम का रेफरेंस दिया है. और एक बात समझना, यहां पर देखना, सबसे पहले अगर मेजॉरिटी शेयरहोल्डर फॉरेन इन्वेस्टर्स है, ब्रोकिंग फर्म है, जैसे पॉलिसी बाजार में 51% फॉरेन आउटसाइडर है, तो कुछ बातें हैं, उनको कंपनी बनाकर ही ब्रोकिंग का काम करना है, उनको कंपनी बनानी पड़ेगी इंडिया में. और अगर आपको डिविडेंड अपने देश लेकर जाना है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, इनको अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड दे शुड गेट द बेस्ट टेक्नोलॉजी, मैनेजरियल स्किल्स
इनोवेशन, जैसे पॉलिसी बाजार आज ऐप बनाया, बहुत सारी चीज है, एंड जो भी फॉरेन पेमेंट्स कर रहे हैं वो विद इन लिमिट्स होनी चाहिए, जो लिमिट स्पेसिफाई की गई है, इसके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे ये रेगुलेटर बताएगा, एंड ये जो पेमेंट करते हैं आउटसाइडर्स को जो पेमेंट करते हैं इसका फॉर्मेट में डिस्क्लोजर करना है, एंड एटलीस्ट वन शुड बी दी चेयरमैन और बोर्ड डायरेक्टर्स शुड बी रेसिडेंट। तो देखो अभी किसकी बात चल रही है, इंटरमीडियरीज, ऊपर किसकी बात चल रही थी, इंश्योरेंस कंपनी। इंटरमीडियरी में एफडीआई कितना अलाउड है, 100%। ऑटोमेटिक रूट कौन कौन आता है इसमें, ब्रोकर, री इंश्योरेंस, कंसल्टेंट, थर्ड पार्टी, सर्वेयर्स। अब इन्हें दो और बातें हैं, अथॉरिटी की बातें सुननी है, आईआरडी और इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स 2015 की बातें सुननी है। सर इसमें लिखा क्या है वो नहीं मेंशन है। उसके बाद में मेजोरिटी शेयर होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है तो उन्होंने कंपनी बनाकर ही इन्वेस्ट करना है, डिविडेंड लेकर जाने के लिए अथॉरिटी की परमिशन लेनी है, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आना है, पेमेंट विद इन लिमिट्स करनी है आउटसाइडर्स को, एंड डायरेक्टर्स के एमपी अथॉरिटी बताएगा कितने कौन रहेंगे, और जो भी पेमेंट एक फॉर्मेट में अथॉरिटी को इंटीमेट करना है, जो भी पेमेंट इंडिया के बाहर जा रहा है, एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल सिटीजन इधर चेयरमैन बोर्ड डायरेक्टर बनेंगे। अब गाइस एलआईसी तीन पार्ट में पड़ा हुआ है, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, एलआईसी। एलआईसी में 20% एफडीआई अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक। एलआईसी गवर्नमेंट ने ओपन अप किया है पब्लिक के लिए, आउटसाइडर को भी ओपन अप किया, आइए पैसे लगाइए। 20% अंडर ऑटोमेटिक रूट, और एलआईसी के लिए एक स्पेसिफिक लॉ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 और इंश्योरेंस एक्ट 1938, इसका कंप्लायंस करना है। और कोई भी एलआईसी में एफपीआई करना चाह रहा है, एफडीआई अलग होता है, एफपीआई अलग होता है, रेगुलर बैच में मैंने पढ़ा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उन्होंने सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करना है, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019 फॉलो करना है। तो गाइस ये हो गया आपका तीन अमेंडमेंट्स ऑफ एफडीआई, एलआईसी, इंटरमीडियरीज एंड नॉर्मल इंश्योरेंस। बात रही है लास्ट अमेंडमेंट, कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट में बस CCI ने फॉर्म नंबर 2 रिवाइज किया है। ये फॉर्म 2 कब होता है, जब कोई कॉम्बिनेशन करने जा रहा है, और कॉम्बिनेशन इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अच्छा खासा कॉम्बिनेशन, बड़े स्केल का कॉम्बिनेशन है। तो मेरी बात मानना, ये अमेंडमेंट आया था 31 मार्च 2022 को, ये 31 मार्च 2022 को उन्होंने फॉर्म 2 रिवाइज किया है। फॉर्म 2 तो आपको पोर्शन है ही नहीं, बस उन्होंने बोला कि ये फॉर्म किसे अप्लाई होता है, जब कोई हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन करता है वोडाफोन आइडिया और उनका मार्केट शेयर 15% है, या वर्टिकल कोलैबोरेशन करता है 25% मार्केट शेयर है, तो ये लॉन्ग फॉर्म मर्जर माना जाता है। वोडाफोन आइडिया मर्ज होकर उनका मार्केट शेयर 15% से ज्यादा है, या रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरर मर्ज होके उनका मार्केट शेयर 25% से ज्यादा है, तो उनको फॉर्म 2 फाइल करना पड़ता है, और फॉर्म 2 में इन्होंने गाइडेंस नोट कैसे फॉर्म भरना है ये भी दिया गया है। They issued guidance note CCN है, और ये form 2 से क्या हुआ है, ये क्या बातें ध्यान में रखते हुए form revise किया गया है, कि ease of doing business होना चाहिए, compliance कम रहेगा, form आसान रहेगा, जो भी assessment करना है, जो objective जिस मुद्दे पर, उतनी बातें हम पूछेंगे, ज्यादा बातें नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। बात उसके बाद में डेटा का डुप्लीसिटी स्टॉक किया गया, पहले बड़े बड़े फॉर्म्स थे, बार बार रिपीट करना पड़ता था, तो फॉर्म रिवाइज किया गया। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपर लॉजिकल है, तो ये फॉर्म के फायदे हैं। क्या फॉर्म के फायदे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, लोग आसानी से फॉर्म 2 भर पाएंगे। दूसरा, बर्डन्स कम है आपको, जो मुद्दे तक है इतनी बात पूछी है, डुप्लीसिटी डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन अवॉइड की गई है, और इन्फॉर्मेशन फ्लो जो है वो लॉजिक फॉर्म में है, और उसके गाइडेंस नोट भी इशू किया गया है। तो ये बहुत ही शॉर्ट अमेंडमेंट था इस बार दिसंबर के लिए, बट इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना, एंड इफ यू रिक्वायर एनी अदर थिंग पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स अ लॉट, आप वीडियो फिर से फास्ट करके देखोगे तो आपको समझेगा। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।